इस साल लोकसभा और हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन उससे ठीक पहले हरियाणा की राजनीति में काफी हलचल देखने को मिल रही है। आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और सभी पार्टियां धरातल पर पहुंचकर जनता के बीच जा रही हैं और अपनी अपनी पार्टी के जीत के दावे ठोक रही हैं। विपक्ष हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार पर लगातार निशाना साध रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जेजेपी और बीजेपी के नेता विपक्ष के वार पर जमकर पलटवार कर रहे हैं। अब हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में जहां कांग्रेस चली गई है वहां से वापस लौट कर नहीं आई है, और रही बात हरियाणा की तो हरियाणा में पिछले 10 सालों से सरकार नहीं आई है और आगे भी कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी। नहीं मानता हरियाणा में, देखिए जहाँ जहाँ कांग्रेस 10 साल में चली गई उन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, कभी भी दोबारा नहीं पलट गया। देखिए मैं आपको गिनाता हूँ, आप यूपी ले लें, आप इसके बाद बंगाल ले लें, बिहार ले लें, आप गुजरात ले लें, उड़ीसा ले लें, तमिलनाडु ले लें, इनमें जहाँ चली गई एक बार दोबारा 10 साल जहाँ चली गई दोबारा कांग्रेस नहीं आई। हरियाणा में 10 साल चली गई, मैं नहीं मानता दोबारा कांग्रेस का 10 सीटों में, मैं तो 10 की 10 बीजेपी के मानता हूँ। पिछली बार भी आई है, पिछली बार से अब के हवा ज्यादा बढ़ी है। हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार को घेरा। हुड्डा ने कहा कि हरियाणा बेरोजगारी, अपराध, नशे और भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1 बन गया है। वहीं राज्य की कानून व्यवस्था पर बोलते हुए हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था के बुरे हालात है, अगर उन्हें प्रदेश की जनता ने मौका दिया तो वो इन अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं और हरियाणा से बाहर निकाल फेंकेंगे। कौन आएगा, कानून व्यवस्था ही खराब है। सर एक छोटा ट्रेंड और चल गया है कि जो उम्र के 18 साल से नीचे के जो लड़के हैं वो भी शूटर बनते जा रहे हैं। देखिए नशा, ड्रग और ये कानून, ये जो दिखता है, जो बेरोजगारी बहुत राजा है हरियाणा, बेरोजगारी में नंबर 1 है पूरे देश में, जो कि 2014 तक प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, रोजगार देने में, कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ियों में हरियाणा नंबर 1 था। आज आप देख रहे हो बेरोजगारी में नंबर 1 है, महंगाई में 1 है। और मैं नहीं कह रहा, ये जो सोशल प्रोग्रेसिंग इंडेक्स होता है नीति आयोग, उन्होंने कहा कि हरियाणा जो है आज असुरक्षित, सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश। वहीं जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला ने हरियाणा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो कांग्रेस ये कहती थी कि हम अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम हैं, उन्हें आम आदमी पार्टी की बैसाखी की जरूरत पड़ी है। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी 10 साल में अपना संगठन नहीं बना पाई और 10 साल में 3-3 प्रदेश अध्यक्ष बदले गए और 5 बार प्रभारी भी बदले गए, लेकिन आज भी वो सत्ता के केवल सपने ही देख रहे हैं। भविष्य एक तो अंदर है, दूसरा 1 हफ्ते में जाएगा, तीसरा जो आप नाम ले रहे हो वो 3रे हफ्ते में जाएगा। वो कह रहे हैं जैसे कर्म किए, जैसे बीज बोए, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से होए। भविष्य एक तो अंदर है, दूसरा 1 हफ्ते में जाएगा, तीसरा जो आप नाम ले रहे हो वो 3रे हफ्ते में जाएगा। वो कह रहे हैं जैसे कर्म किए, जैसे बीज बोए, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से होए। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुमारी सैलजा ने कहा कि पार्टी लोकसभा चुनाव में बड़े नेताओं को उतारने की तैयारी में है। स्क्रीनिंग कमेटी के आगे लगातार बात चल रही है, लेकिन हाईकमान तय करेगा कि किस किस को चुनाव लड़वाना है, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा विधानसभा चुनाव लड़ने की है। पार्टी फैसला करेगी, जैसा मैंने आप लोगों के सामने ही सबसे पहले कहा था कि मेरी इच्छा इस बार, क्योंकि थोड़े दिन बाद विधानसभा का चुनाव भी आ जाता है अपने दिल की चाह के मुताबिक, इच्छा है इस बार विधानसभा चुनाव, आगे पार्टी का जो फैसला। वहीं कुरुक्षेत्र से सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुशील गुप्ता पर पलटवार करते हुए कहा कि सुशील गुप्ता ने एक कार्यक्रम में 2 लाख रुपए देने की घोषणा की थी, लेकिन वो आज तक 2 लाख रुपए भी नहीं आए। ये सब कलायत की जनता भी जानती है।
गैब तो कहते तय हो रहा है, उसने पूछना चाहिए। कहते गैब तो तय हो गया, कहते तो राज्यसभा का मेंबर कलायत के अंदर हमारी मंत्री महोदय बात रख रही थी और वहां पर वो कहने लगी कि सुशील गुप्ता यहां पर आया था, 2 लाख की घोषणा करके चला गया और आज तक पैसे नहीं आए। गैब तो कौन है, गैब ये पूछना चाहिए उसको। वही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कुरुक्षेत्र से लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि धर्म युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था जो 18 दिन तक चला था और इस युद्ध के बाद युग का परिवर्तन हुआ था और भारतीय जनता पार्टी का युग परिवर्तन की शुरुआत कुरुक्षेत्र से होगी। कुरुक्षेत्र से एक नया राज आएगा और आम आदमी पार्टी को जीत मिलेगी। कुरुक्षेत्र से एक नया आगाज है। उदय बांजी ने पूरी 10 लोकसभा में जितने भी प्रत्याशी हैं वो आम आदमी पार्टी के भी हैं और वो कांग्रेस के भी हैं। हम मिलकर इस भ्रष्टाचारी सरकार को, इस दुराचारी सरकार को, महिलाओं का अपमान करने वाली सरकार को, पहलवान बेटियों को सड़क पे घसीटने वाली सरकार को, किसान को MSP ना देने वाली सरकार को, महंगाई फैलाने वाली सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। वही हरियाणा कांग्रेस की पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने प्रदेश और केंद्र में बीजेपी की सरकार को पूरी तरह से विफल बताते हुए कहा कि दोनों ही जगहों पर बीजेपी की सरकार पूरी तरह से विफल हुई है। महंगाई और घटते रोजगार की वजह से प्रदेश का हर वर्ग परेशान है, जिसको लेकर जनता बीजेपी को जवाब देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हर वर्ग के लिए काम किया है और कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस जीत की दावेदार है। आप जानते हैं कि आज के दिन कितना विरोध है जमीनी स्तर पर बीजेपी का, क्योंकि हर तरीके से विफल हुई है और सिर्फ जुमले की एक सरकार साबित हुई है। झूठ पे झूठ, चाहे किसानों की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, आज हर वर्ग परेशान है। और कांग्रेस पार्टी ने हरदम 36 बिरादरी का काम किया है, हर क्षेत्र में काम किया है, तो कांग्रेस पार्टी मजबूती से खड़ी है और जीतेगी। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। बात करें हरियाणा की तो यहां बीजेपी को टक्कर देने के लिए इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक हो गए हैं, लेकिन अब किस पार्टी की विजय होगी ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। स्पेशल डेस्क खबरें अभी तक।